सो हे व्हाट्स ऑल यू पीपल, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल एक्सप्लोरिंग सिटी। तो भाई आपने देखा होगा नेक्स्ट वीडियो जिसमें हम लोगों ने करी थी ट्रेन जर्नी बरेली टू इंदौर, और फाइनली हम लोग उज्जैन पहुंच चुके हैं, मतलब दर्शन करने जाएंगे और जितना समय लगेगा वो दिखाएंगे। और अभी चलते हैं पहले स्टेशन से बाहर, ये कुछ स्टेशन का नज़ारा है। तो भाई उधर अपने भाई लोग आ रहे हैं, तो ये कुछ ऐसे आप ऑन टाइम पे पहुंच गए थे, मतलब सुबह निकले थे हम 11 बजे और अभी ऑन टाइम 7 बज रहा है। तो अभी चलते हैं पहले स्टेशन से बाहर निकलते हैं और बाहर आपको दिखाते हैं कि कैसे यहाँ से अपने लोग टैक्सी पकड़ के महाकालेश्वर मंदिर है वहाँ पे जा सकते हैं, और वहाँ पे अगर होटल नियरेस्ट जो होगा वो भी मैं आपको दिखाऊँगा। तो बने रहिए आप वीडियो में, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, और बाकी अभी चलते हैं। देख रहा हूँ हम फर्स्ट टाइम तो भाई जैसे ही अपने लोग निकलेंगे स्टेशन के बाहर, और यहाँ की जो फेमस डिश है, मतलब जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, वो अपने पोहा है, कुछ ऐसे ऐसे पोहा मिलते हैं अपने को। और पर प्लेट कितनी कॉस्ट है इसकी पूछना जरा? तो 20 रुपए इसकी कॉस्ट है, एक 20 रुपए की, तो 20 रुपए इसकी कॉस्ट है। और आपकी चॉइस है, आप ऐसे लेना चाहें मतलब ग्रेवी साथ, या नॉर्मल पोहा लेना चाहें। तो भाई अभी ये नाश्ता करते हैं, फिर हम लोग का जो जर्नी रहेगी, पहले हम लोग को जाना है रामगंगा, रामगंगा पे हम लोग नहाएंगे, फिर उसके बाद अपने महाकाल के दर्शन करेंगे। सो बने रहिएगा वीडियो में, अभी चलते हैं सीधे रामगंगा। तो फाइनली अपने लोगों की जर्नी हो चुकी है स्टार्ट महाकाल के दर्शन की। तो अभी जा रहे हैं अपने लोग राम घाट है ना, राम घाट जा रहे हैं, वहाँ पे अपने लोग स्नान करेंगे, फिर उसके बाद जाएंगे अपने दर्शन करने। अगर दर्शन दोपहर तक पॉसिबल होंगे तो दोपहर तक करेंगे, नहीं तो शाम में दर्शन पक्के हैं। तो वहाँ पे सीधे चलते हैं और अपने वापस स्नान करने चलते हैं, उसके बाद वहाँ की लोकेशन दिखाते हैं और वहाँ पे जो व्यू होगा वो आपको दिखाएंगे। तो चलिए भाई अभी अपने लोग पहुंच गए हैं रामघाट, और अभी अपने लोग स्नान करेंगे, कुछ ऐसा व्यू है यहाँ का। सो मंदिर से पहले यहाँ आपको आना पड़ेगा स्नान करने के लिए, और ये अपने भाई लोग खड़े हुए हैं स्नान करेंगे। सो तो उसके बाद दिखाते हैं आपको यहाँ पे सिनेमैटिक। सो फाइनली अपने लोग स्नान कर चुके हैं, अभी निकलते हैं महाकालेश्वर के लिए और दर्शन करते हैं। अभी टाइम हो रहा है 9:30 और सीधे रूम लेते हैं वहाँ पे, और अभी दिखाते हैं, अभी आपने देखे होंगे सिनेमैटिक। अभी क्योंकि नदी का भाव थोड़ा सा ज़्यादा है इसलिए थोड़ा अंदर जाने नहीं दिया, बाकी बाहर से ही हम लोगों ने स्नान किया था। अभी चलते हैं सीधे होटल पर, जहाँ पर होटल लिया हुआ, फिर वहीं पर ही दिखाते हैं आपको। बाकी अभी रेडी हो रहे हैं सब लोग, पीछे देख रहे हो। सो अभी चलते हैं वहीं पर सीधे होटल पर, और होटल उसके नियरेस्ट लेंगे जितना मंदिर है, मंदिर से आई थिंक 100-200 मीटर के अंदर ही होटल लेंगे, फिर दर्शन कराते हैं। तो बने रहिएगा वीडियो में, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, बाकी सब्सक्राइब तो कर ही लिया होगा आपने। तो सो भाई अभी अपने लोग आ चुके हैं रूम बुक करने, और रूम अभी आपको दिखाएंगे, और अभी पर रूम की कॉस्ट भी बताएंगे। हम लोग 5 लोग एक ही रूम में स्टे कर रहे हैं, और आई थिंक कितने रुपये 320 रुपये का आई थिंक स्टे, अभी पूरी जब वो आएगा हमको वही बताएगा, क्योंकि वही बिलिंग कराने गया है। और रूम भी आपको चेकआउट करेंगे और सामने का व्यू दिखाएंगे, बिल्कुल जस्ट सामने रूम के अपना मतलब बाबा के दर्शन, ऊपर महाकालेश्वर के सामने से ही दर्शन होंगे, अभी ऊपर से आपको दिखाएंगे। और अपने लोग इधर ही बस बैठे हुए वेट कर रहे हैं, चाबी आए फिर ऊपर जाए चेक इन करें। चलो ऊपर ही चलते, बहुत भारी है ना चश्मा मेरा। सो चलते हैं अपने रूम की तरफ और रूम दिखाते हैं आपको। चलो यार चलो, यहाँ पे बिना बीसी के कोई बात नहीं हो रही है, यहाँ बीसी एमसी टीसी सब चल रहा है। मैंने खोल दी। तो भाई चलते हैं, छोटी सी अपनी लिफ्ट है उसमें चलते हैं। तो ये 5 बंदे नहीं आ पाए, चाबी तो लाओ। चाबी तो ला इधर। तो भाई ये है अपना 208 रूम नंबर, अभी खोलते हैं और रूम टूर कराते हैं आपको। रूम टूर मतलब ठीक ठाक ही है। यहाँ पे शीशा टूटा पड़ा है। सो भाई ये कुछ अपना रूम है, बेड देख लो, 4 बेड पड़े हुए हैं, और ये एसी लगी हुई है, ये अपनी है छोटी सी बालकनी, और ये छोटा सा शीशा है अपना, इसमें मैं दिख रहा हूँ आपको। दिखा खुल जा सिम, चलो मैं दिख रहा हूँ उसमें। ये छोटी सी अपनी टीवी लगी हुई है, और ये कुछ है बाथरूम, ऐसा कुछ बाथरूम है, मतलब यार टीवी चलती नहीं है, मतलब पैसों के हिसाब से काफ़ी बढ़िया रूम मिल गया है। पर पर्सन पर डे के हिसाब से है 320 रुपये,
वो भी एसी का, अगर आप एसी नहीं लेते हैं तो और सस्ता मिलता है आपको, मतलब 250 रुपये मिल जाता है विदाउट एसी वाला, और एसी वाला आपको मिलता है 320 रुपये का पर पर्सन पर डे के हिसाब से। हम लोग 5 लोग थे तो पूरा बनाए हम लोग का 2 दिन का 3200 रुपये, सो डिवाइड हुआ है। अभी बाकी रेस्ट करते हैं और फिर आपको दिखाते हैं बाहर के दर्शन। सो बने रहेगा वीडियो में, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, और बाकी सब्सक्राइब तो कर ही लिया होगा, नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो, नीचे रेड कलर के बटन को दबा दो जल्दी से, लाइक करें शेयर करें। देखो भाई ने बोल दिया, तो जल्दी से जाओ लाइक करो शेयर करो, और मिलते हैं थोड़ा आगे। सो भाई अभी अपने लोग निकल रहे हैं दर्शन देखने के लिए कि दर्शन अलाउ है कि इस टाइम पे, क्योंकि अभी टाइम हो रहा है 11:30, और देखते हैं और आपको बाहर का नज़ारा दिखाते हैं, क्योंकि यहाँ से जो अपना महाकालेश्वर मंदिर है पूरा दिख रहा है। अभी ये देखो ये पूरा गेट एट बाहर से ही बंद कर दिया इन्होंने, तो अभी चलते हैं जल्दी क्योंकि लेट काफी। चलो गाइस 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 के हैं बाहर अपने लोग, और सामने का आपको मैं व्यू दिखाता हूँ। सो यहाँ से कुछ ऐसा सा व्यू है, और हम लोग खड़े हुए हैं होटल की बालकनी में, और वो सामने आप देख लो वो रहा अपना महाकालेश्वर मंदिर, और ये सामने से अभी वहीं पे चलते हैं और दर्शन देखते हैं कि अलाउ है कि नहीं है, क्योंकि टाइम ज़्यादा हो रखा है। सो चलते हैं अभी नीचे और कैमरा वैमरा देखते हैं कि अलाउ है कि नहीं है, बट सुनने में ये आ रहा है कि कैमरा अलाउ नहीं है, बट कोशिश करेंगे थोड़े मोटे शूट करने की। तो चलते हैं अब सीधे नीचे। भस्म आरती के लिए कुछ हो जाएगा अभी। तो भाई अभी अपने लोगों ने ये VIP पास ले लिया है, जो कि अपने लोगों को 1500 रुपये समथिंग का पड़ा है। 2 पर्सन आपके 750 रुपये लगते हैं, और 2 लोगों के आपके 1500 रुपये लगते हैं। और अभी चलते हैं सीधे दर्शन के लिए, अभी अपने लोग जो भाई लोग आए थे वो लेने जा रहे हैं टिकट, अपने लोगों ने पहले ही ले लिया है। अभी चलते हैं सीधे अंदर और देखते हैं कि क्या क्या मिलता है VIP दर्शन, मतलब 1500 में अगर आप दर्शन करते हैं तो। इसके दो मतलब 250 वाले भी दर्शन होते हैं, वो थोड़े मतलब उसमें ज़्यादा टाइम लगता है, उसमें मतलब पूरी लंबी लाइन लगती है। और बाकी अभी इधर देख लो कितनी मतलब लाइन तो इसमें भी लगी है, बट इसमें जल्दी जैसा अपना टिकट हो जाता है। बाकी जस्ट बगल में इसके प्रसाद मिल रहा है, और उधर अपनी भस्म आरती वाले के लिए, भस्म आरती अगर आप भस्म आरती के लिए जाते हो ना, तो भस्म आरती के लिए आपको 1 या 2 दिन पहले बुकिंग करानी पड़ती है। वही बुकिंग समथिंग 2 या ऑनलाइन होती है या 200 रुपये देख के होती है बुकिंग। मतलब अगर आप भस्म आरती के लिए देखने आ रहे हो तो 1 दिन पहले बुकिंग कराओ, फिर उसके बाद आके फिर अपना देखो इन लोगों का। अभी दर्शन करने सीधे चल रहे हैं, और अंदर के अगर अवेलेबल होगा कैमरा ले जाना तो ले जाएंगे, नहीं तो अपने लोग फ़ोन से ही थोड़ी मोटी वीडियो शूट कर लेंगे। और बाय द वे बता दूँ, ये इस तरफ आपका ये जो VIP वाला पास है ये मिलेगा इधर, और ये इसमें आपका लिखा हुआ है 1500 रुपये 2 व्यक्ति के, और इधर से अपना अंदर जाना है मतलब इधर साइड से। तो अभी चलते हैं सीधे अंदर। तो भाई दर्शन अपने लोग के हो गए हैं कंप्लीट, वहाँ पे फ़ोन ऑन अलाउ नहीं था कुछ भी। बाकी जितनी वीडियो हम लोगों ने शूट करी है फ़ोन से वो आपको दिखा देंगे, सिनेमैटिक में आपने देखे होंगे। बस दर्शन पूरे हो चुके हैं अपने, अब जा रहे हैं रूम पे, बाकी खाना पीना खाएंगे, और दर्शन कंप्लीट हुए अपने। अभी बज रहा है 1:30। ये 250 वाली लाइन है? हाँ ये 250 वाली। तो भाई ये वाली जो लाइन आप देख रहे हो कितनी ज़्यादा भीड़ है, ये 250 वाली लाइन है। जो अपने लोग दर्शन करके आए थे वो 1500 वाले थे, अब भीड़ देख सकते हो यार कितनी ज़्यादा भीड़ हो रखी है। मतलब यार सही रहा कि पहले दर्शन कर लिए। अगर आप भी आ रहे हो, बजट की कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आप 1500 रुपये वाले दर्शन कर सकते हो, 2 लोगों के लिए 1500 रुपये सही है, अंदर आप आराम से जा के कर सकते हो। बाकी 250 वाले में आपको थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग सकता है। बाकी दर्शन तो अपने कंप्लीट हो गए, वीडियो शूट अलाउ नहीं था। तो वीडियो यहीं तक की थी, अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, और कमेंट करके जरूर बताना। और टाइमिंग का देखो, टाइमिंग 1:30 बजे तक आपके दर्शन हो जाते हैं, हमारे तो हो गए, बाकी शाम में आपके दर्शन होंगे। अगर आप भस्म आरती के लिए आते हो तो 1 दिन पहले आपके बुकिंग होती है, ऑनलाइन बुकिंग करा सकते हो, वरना यहाँ से करा सकते हो। तो 1 दिन का आपको टाइम कैरी करके चलना पड़ेगा कि हाँ 1 दिन एक्स्ट्रा लगेगा ही लगेगा। बाकी वीडियो यहीं तक की थी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ओमकारेश्वर के दर्शन करवाते हैं आपके नेक्स्ट वीडियो में। तो टेक केयर, बाय बाय।